हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि खून करने वाले लोग दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। हर केस हमारा दिमाग खराब कर देता है। अब यही केस देख लो, एक 70 साल का बूढ़ा जो 10 साल से व्हील चेयर पे है, जो उठ ही नहीं सकता, वो खून करके खिड़की में से कूद के भाग गया, है ना कमाल की बात। और उसके साथ में थी उसकी बेटी। अब उसकी बेटी के बारे में तो कुछ पूछो ही मत, बाप तो बाप और बेटी बेटी, बस आप खुद ही देख लीजिए। सब कुछ देख लिया है, काफी बड़ा माल हाथ लगने वाला है, बस एक ये काम निपटा लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आराम तो मिलना ही चाहिए, और फिर पुलिस ढूंढती रह जाएगी। हेलो अनीता बेटी, आज इतनी देर क्यों कर दी है? पता है आज तुम्हारे फोन के इंतजार में मैंने पूरे 5 कप चाय पी डाली है। हाँ, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अब तो लगता है बेटा कि तुम्हारे फोटोग्राफी कोर्स के लिए हमें तुम्हें बेंगलोर नहीं भेजना चाहिए था, यहाँ हो जाता तो काफी अच्छा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर राघव जी। अरे आप तो फोन पर बिजी है। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस चाबी रखनी थी। यहाँ रख दो बेटा, यहाँ। ओके, बाय साहब। बाय। क्या हुआ पापा? हाँ वो सुधीर था बेटा, अपना पेइंग गेस्ट, और चाबी रखने आया था। हाँ और सुना बेटा, तुम्हारी फोटोग्राफी कैसे चल रही है? ठीक तो है ना? अच्छा है, आप मेल तो चेक करते नहीं हैं। मैं फोटोग्राफ्स भेजूंगी आपको। इसीलिए वो जॉनी भी चला गया, अच्छा होता कि मैं भी चली जाती। अरे तो चला जाना था ना। क्या कहा बेटे, क्या कहा? सॉरी, अरे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अरे ये लोग भी ना इतना शोर मचाते रहते हैं कि समझ क्या करूं, समझ में नहीं आता कुछ भी। कौन है पापा? अरे वो अपने नए पेंगे आया ना, एकदम सिर दर्द। अभी 2 दिन हुए यहाँ आए हैं, उनमें से एक है बूढ़ा हैंडीकैप्ड आदमी और दूसरा उसकी बेटी। अरे एक दूसरे पर इतना वो लड़ते रहते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करते हैं। अब तो हद हो गई, चैन से बात भी नहीं करने देते। बेटा एक मिनट होल्ड करना। अरे क्या समझते हैं ये अपने आप को? बस बहुत हो गया, अब देखो इनका झगड़ा चलता रहता है। मेरे मकान को इनका मछली बाजार बना दिया है। एक तो बूढ़ा आदमी, ऊपर से कमजोर लड़की, यही सोचकर मैंने मकान किराए पर दिया था, पर चिल्ला चिल्ला कर इन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। अरे दरवाजा तो पहले से खुला है। ये तो राघव चाचा की आवाज है। चाचा, 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 क्या हुआ आपका चाचा? अंदर कौन है? दरवाजा खोलिए चाचा। चाचा, ये बालू कौन है? मैं हूँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरे राघव चाचा का खून हो गया सर। लगता है गला घोटा गया है, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था सर। दरवाजा अंदर से बंद था? तो फिर तुम अंदर कैसे आए? धक्का मारकर। धक्का मारकर? इसका मतलब है यहाँ कोई और नहीं था, ये सिर्फ अकेले थे? जी सर। तो फिर खून किसने किया? क्या इन्होंने अपने हाथों से गला घोट लिया? जोर से चीखने की आवाज आई थी सर, इसी कमरे में वो बूढ़ा विल्सन और उसकी बेटी रहते थे। बूढ़ा तो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाता था सर। कहाँ है वो? क्या पता, शायद खिड़की से भाग गए हो। जो आदमी बिल्कुल चल नहीं सकता वो आदमी खिड़की से कूद के भाग गया, और वो लड़की भी। हाँ सर, खून उन्होंने ही किया है।
तुम्हें कैसे मालूम खून बूढ़ा और उसके बेटे ने किया? मैं वहां बाहर अपना काम कर रहा था सर। बूढ़ा और उसकी बेटी चीख चीख कर लड़ रहे थे। राघव चाचा अचानक उनको चुप कराने यहाँ आ गए। दो तीन मिनट बाद मुझे उनके चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ आ गया। और जब तुम यहाँ आए तो दरवाजा बंद था है? हाँ सर, मैंने बहुत आवाज लगाई, दरवाजा बंद था और मैंने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। तुमने उस बूढ़े और उसकी बेटी को भागते हुए देखा था? नहीं सर। कितने मेंबर हैं यहाँ पे? कौन कौन रहता है यहाँ पे? राघव चाचा की बेटी तो बैंगलोर में रहती है। चाचा के पास तीन कमरे हैं, एक में अखिल रहता है और दूसरे में सुधीर, और तीसरे में विल्सन और उसकी बेटी। ये दोनों कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कुछ ही दिन पहले जयपुर से आए थे। बेटी कहीं कॉल सेंटर में काम करती है। कॉल सेंटर में? अच्छा, काम करो, यहाँ का सारा सामान चेक करो। तो लगता है काफी जल्दी में भागे, सारा सामान यहीं पे छोड़ गए। हाँ सर, दूसरे कमरे में से ये बिल मिला है, प्रकाश लॉज का। प्रकाश लॉज? अरे ये तो विल्सन की बेटी जूलिया के नाम पर है, लेकिन वो तो कुछ ही दिनों पहले जयपुर से आई थी ना। सर ये दोनों बाप बेटी भाग के तो यहाँ से गए नहीं होंगे, तो किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर निकलते हुए। नहीं सर, मैंने आसपास के सभी लोगों से पूछ लिया, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर ये लोग यहां से गायब हुए कैसे, किसी ने भी नहीं देखा? हाँ, पर छुपकर रहेंगे भी तो कब तक? एक काम करो, यहां जो पेइंग गेस्ट है अखिल और सुधीर, दोनों को ब्यूरो में लेकर आओ। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आप लोग मुझे मेरे ऑफिस ऐसे क्यों ले आए हैं? कौन जवाब देगा मेरे बॉस को? पहले हमारे सवालों का जवाब दो। आज सुबह 9 और 12 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? यही पता करने के लिए हमने आप तीनों को यहाँ बुलाया है। मिस्टर सुधीर, आपको कुछ आइडिया है क्या कि ये किसका काम हो सकता है? सर बालू ने आपको बताया कि राघव जी का खून उस बूढ़े और वो बेटी ने किया। तो आप उन दोनों को जानते थे, आपको उन दोनों के बारे में कभी कोई उल्टी सीधी बात पता चली? मैं अपने काम से काम रखता हूँ सर, मैंने उन्हें सिर्फ आते जाते हुए देखा। हाँ, और वो लड़की भी हमेशा घर के बाहर ही रहती है, और विल्सन अंकल भी सिर्फ शाम को ही निकलते हैं घूमने बस। जूलिया कॉल सेंटर में काम करती थी ना? जी सर, मैंने भी यही सुना है। अच्छा, कभी तुम्हारी उन दोनों से बात होती थी? नहीं सर, वो बुड्ढा तो हमेशा भड़कता रहता था, मैं उससे दूर ही रहता था। हाँ या ना के अलावा मेरी उससे और कोई बात नहीं हुई कभी। सर कभी कभी तो उन दोनों पर बहुत दया आती थी सर। एक बेचारी बेटी जो अपने शहर से इतने दूर आकर काम करती थी, और एक बेचारा बूढ़ा बाप जो हमेशा व्हीलचेयर पर ही बैठा रहता था सर, अपने कमरे में बंद। पता नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सर, आखिर वो दोनों ये खून क्यों करेंगे? जरूर राघव को कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसकी वजह से विल्सन और उसकी बेटी जूलिया दोनों को खतरा हो सकता था, और इसलिए बाप और बेटे ने मिलकर राघव का खून कर दिया। अब खून किसने किया ये तो हमें मालूम है, लेकिन खून हुआ क्यों ये मालूम नहीं। हेलो। अरे कमाल है, ये तो किसी लैंडलाइन का नंबर है। फिर वही नंबर। हेलो। अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो। ये नंबर तो अंधेरी साइड का लगता है। तो राघव जी का नंबर? राघव जी, लेकिन ये तो हेलो राघव जी हेलो। सर इसे राघव के घर से फोन आ रहा है। राघव के घर से फोन? क्या नंबर है? सर 02-17-12-4430। इसी नंबर से तो मुझे फोन आए हैं। घर से फोन आ रहा है? घर तो मैं लॉक करके आया हूँ। सर ये फिर से फोन आ रहा है, मैं फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो
कोई मुझसे बात करना चाहता था, कोई मुझसे बात करना चाहता है। पहले मुझे फोन आता है, फिर उसी नंबर से सुधीर को भी। इसका मतलब है अभिजीत, जो भी कोई फोन कर रहा है वो जानता है कि हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं। पर वो है कौन? अच्छा वहीं चल के देखते हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, एक काम करो, बालू से पूछकर विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के स्केचेस बनवाओ पुलिस आर्टिस्ट से, समझे? तब तक हम लोग आते हैं, लेट्स गो। तुम कौन हो? जूलिया? जूलिया जी नहीं, मेरा नाम अनीता है और मैं मिस्टर राघव की बेटी हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से आए हैं। लेकिन बालू ने तो हमें बताया था कि उसने घर बंद कर दिया था, तो फिर आप अंदर कैसे आ गई? जी ये मेरा घर है और इसकी एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, और बालू पे तो वैसे भी कुछ नहीं छोड़ सकते। क्यों, वो आदमी ठीक नहीं है? बालू ने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया? मैं जब घर में आई तो सेफ में से सारा रुपया पैसा ज्वेलरी सब गायब था, मुझे लगा आप लोगों को मालूम होगा। तो खून के साथ यहाँ चोरी भी हुई है? चोरी? चोरी? कहीं हमारे कमरे में चोरी तो नहीं हुई है? देखते। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनका खून होने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने खुद उन्हें फोन किया था। तो उन्होंने कुछ बताया आपको? हम बात कर रहे थे और अचानक विल्सन और उसके बेटे की आवाजें आने लगी, तो पापा ने फोन होल्ड पर रखा और उन्हें चुप कराने के लिए गए, और अचानक फिर उनकी चीख सुनाई दी। एसीपी साहब, एसीपी साहब, समय बर्बाद हो गया साहब, मेरे कमरे से 50,000 रुपए चोरी हो गए सर। सर एक रुपया नहीं बचा, यहाँ तक कि उन दोनों ने मेरी सोने की घड़ी भी चोरी कर ली है सर। और सर मेरी भी सोने की चेन और अंगूठी और चेकबुक भी गायब है सर। मतलब सर ये कॉल सेंटर की नौकरी से दिखाने के लिए, इनका असली काम तो चोरी करना ही है, और काम भी काफी सफाई से करते हैं, ऐसा लगता है ये रोजी चोरी करते हैं। एक बात बताइए, राघव जी ने आपसे पहले कभी इन पेइंग गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था? नहीं, उन्हें शक तो था पर कुछ बताया नहीं, और मैंने भी कभी कुछ ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। हाँ लेकिन कुछ तो बताया होगा, किस बात का शक था उनको? मालूम नहीं, मैं जब उनसे बात कर रही थी तो फोन में कुछ डिस्टरबेंस था, और वो कुछ विल्सन और उसकी बेटी पर शक की बात कर रहे थे, और वो कुछ बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर कुछ पता लगाने के बारे में कह रहे थे। बीके मेमोरियल हॉस्पिटल, चलो राघव जी का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। इस बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर इस बूढ़े हैंडीकैप्ड विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के बारे में देखते हैं क्या पता चलता है। इसका नाम विल्सन है और ये इसकी बेटी जूलिया। याद कीजिए ये दोनों कभी आते थे यहाँ पे? देखिए हमें भी इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करते थे, एक दूसरे पे बहुत चिल्लाते रहते हैं। प्लीज आप जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। सर मुझे कुछ याद सा आ रहा है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भूलने की आदत थी। सर इस बुड्ढे का नाम विल्सन था, और सर इसकी जो लड़की थी उसको व्हील चेयर पर लेके आती थी। जरा सर इसका जरा दोबारा दिखाइए सर मुझे। हाँ सर ये विल्सन था और सर ये जूली है। हाँ सर ये जूली है। याद आ गया, इनके बारे में कुछ और भी याद है आपको? सर ये लोग बहुत पहले ट्रीटमेंट के लिए आए थे, और अभी 8-9 महीने पहले इन्होंने आना बंद कर दिया, और जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। पर आपके रिकॉर्ड्स में कुछ तो लिखा होगा इन लोगों के बारे में, कोई अता पता? एक मिनट सर, 2006 और 2007 की फाइल में होना चाहिए। है सर, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी विरार। क्या विरार? मतलब वो यहीं पे रहता है? सर ये तो यही बता रहा है। बालू ने हमसे कहा था कि विल्सन और जूलिया जयपुर से आए थे, पर यहाँ तो उनका पता विरार का है। चलो ये वाला पता भी देख लेते हैं, देखे तो सही यहाँ पे कौन रह रहा है। सर इस लेन में आखिरी मकान कहा था उस आदमी ने? हाँ ये क्या, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी। दरवाजा तो बंद है,
लॉक भी पुराना लगता है। मैं पीछे देखता हूँ सर। हाँ सर, लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। नहीं सर, पीछे कोई भी दरवाजा नहीं है, अंदर जाने का यही एक रास्ता है। ठीक है, पड़ोस के 12 नंबर मकान में पूछते हैं, चलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, मैं इसे भी प्रद्युमन। ये 13 नंबर मकान में मिस्टर विल्सन रहते हैं ना? जी मकान तो विल्सन का ही है, लेकिन विल्सन नहीं है। आप बता सकते हैं कहाँ गए वो? वहीं जहाँ एक दिन सबको जाना है। क्या विल्सन मर चुके हैं? डेथ तो उसकी बहुत पहले हो गई थी साहब, बस जिंदगी खराब थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या था उनका? बस बच्चे सर, आजकल के बच्चों का माँ बाप होना ही तो सजा है। उनकी एक बेटी भी थी ना? हाँ सर, फैमिली में 3 लोग थे, विल्सन बेटा और उनकी बेटी जूलिया। विल्सन का बेटा भी था? बस बेटा होना ना होना बराबर ही था, काम वाम तो कुछ करता नहीं था साहब, रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी बाप बेटे में। बस एक दिन गुस्से में चला गया घर छोड़कर। कहाँ चला गया? क्या मालूम, फिर इधर नहीं देखा किसी ने। अच्छा उनकी बेटी वो कहाँ है? लड़की और बाप ने तो आत्महत्या कर ली थी। बेटी और बाप ने एक साथ आत्महत्या कर ली? पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि उनका खून हो गया था। तो अब इस घर में कोई नहीं रहता? नहीं साहब, जब से बेटा गया तब से तो बंद ही पड़ा है। विल्सन का कारोबार बर्बाद हो गया था, वो सड़क पे आ गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि विल्सन और उसकी बेटी जूलिया की मौत हुई है? जी सर, मैं गया था उन दोनों के फ्यूनरल में। तो तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ उन्हें दफन किया है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। चलो आइए सर, यही है वो ग्रेवयार्ड। कहाँ है ये सर? ये जहाँ दोनों बाप बेटे को दफन किया गया था। आजकल सीआईडी वालों के डर से लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन इतने जल्दी कब्र में छुपते हुए नहीं देखा। मतलब मैं समझा नहीं सर। ये इनको दफन कब किया गया? सही तो मालूम नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ की देख रेख करता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। हाँ बुलाओ उसे। अरे सुनना यस, सीआईडी के कुछ लोग आए तो जानना चाहते हैं जूलिया और विलियम्स को यहाँ कब लाया गया। क्यों, उसका क्या काम पर? हमें ये पता करना है कि इन दोनों की मौत कब हुई थी। मेरे ख्याल से 10 महीने पहले। जल्दी कहो। ये देखिए, हाँ, विल्सन और जूलिया, 5 जनवरी 2007। सर 10 महीने पहले मरे दोनों, और अभी एक दिन पहले उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया। सर कब्र में से उठ के कहीं चले तो नहीं गए? फ्रेडरिक्स, मजाक कर रहे हो? सर मरने वाले के ऊपर मजाक नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा ये सही बताओ, इस रजिस्टर में कौन लिखता है? सर मैं लिखता हूँ, सही लिखा है सर। सर कुछ तो गड़बड़ है, अगर ये दोनों यहाँ 10 महीने से हैं, तो फिर पेइंग गेस्ट बन के वहाँ पे कौन रह रहा था? मुझे भी ऐसे लगता है सर, ये विलियम्स का बेटा बहुत चालाक और बदमाश था, कहाँ गायब होगा कुछ पता तो है नहीं, उसका कुछ नहीं पता, हो सकता है ये चक्कर उसी ने चला रखा हो। बेटा घर से भागा हुआ है, बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली, क्यों हुआ कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं। सर लगता है तीनों मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। एक बार बताओ जी, लाश कब्र के अंदर है कि नहीं? हाँ सर अंदर है कब्र। देखो विल्सन और जूलिया दोनों बाहर घूम रहे हैं, मुझे लगता है कब्र के अंदर सिर्फ कैस्केट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं सर, लाशें मेरे सामने आई थी। अच्छा देखो, हमारे पास परमिशन है। विवेक देख लिया, अब हम कब्र खोद के देखेंगे उसके अंदर क्या है। लाश तो यहीं पे। अरे ये विल्सन और जूलिया यहाँ है, तो वो विल्सन और जूलिया कौन है?
तो सुनो भाई साहब, आपने बताया कि विल्सन अपने आखिरी दिनों में किसी ओल्ड एज होम में रह रहा था जी। कहाँ है ये ओल्ड एज होम? जी कहिए। यहाँ पे एक मिस्टर विल्सन रहते थे, हमें उनके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। सर मिस्टर विल्सन रूम नंबर 13 में रहते थे। वो सिर्फ 3 ही महीने थे। इन 3 महीनों में उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या एक बेचारा बूढ़ा आदमी क्या तंग कर सकता है आप लोगों को? सर ऐसी बात नहीं है, उनके साथ कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी। उनको दूसरों का सामान चोरी करने की आदत थी, जिसे कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। ओह, तो उन्हें चोरी करना यहीं से शुरू कर दिया था? नहीं सर, उन्हें चोर कहना ठीक नहीं होगा। क्लैप्टोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को एक बार हो जाती है वो याददाश्त उनकी चली जाती है। उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। मिस्टर विल्सन की भी याददाश्त चली गई थी सर, उनको कुछ याद नहीं रहता था। आपको मिस्टर विल्सन की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? पहले तो छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती थी। एक बार मैंने उनके हाथ में किसी दूसरे की घड़ी देखी। मैंने उनसे पूछा कि घड़ी कहाँ से मिली आपको, तो वो जवाब नहीं दे पाए। उनको ये याद ही नहीं आया कि ये घड़ी उनको कहाँ से मिली। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, उनका पहले से ही किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जब हमें उनकी बीमारी के बारे में पता चला, हमें मालूम हो गया कि खोई हुई चीज़ कहाँ मिलेगी। देखिए मिस्टर विल्सन ने सुसाइड किया था, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी? जी जी वो क्या हुआ? सर एक बात पूछूं, किसी इंसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना क्राइम है ना? हाँ, लेकिन उससे आपका क्या लेना देना? कुछ नहीं। देखिए मैनेजर साहब, एक मर्डर हो गया है और हम लोग उस मर्डर केस की छानबीन कर रहे हैं, सुसाइड केस की नहीं। इसलिए आप बिना डर के जो कुछ भी जानते हैं हमें बता सकते हैं। सर एक बार हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई थी, 12,000 कैश और 55,000 की सोने की चेन। हमें यकीन था कि ये काम विल्सन का ही है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। तो आपने उनके सामान की तलाशी ली? ली थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बात इतनी बढ़ चुकी थी, हमें मजबूर होकर उनको यहाँ से निकालना पड़ा। डोंट वरी पापा, अब हम साथ में रहेंगे, मेरे साथ में, मेरे लॉज में। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कोई फायदा नहीं पापा, कोई कुछ नहीं सुनेगा। लगता है बेटी भी मिली हुई है। अच्छा धंधा है इन दोनों का, देखो कैसे नकली आंसू बहा रही है। यहाँ से निकलकर और कहीं चोरी करेंगे? हाँ ऐसे ही लगता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं जूलिया बेटी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ पापा, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, मुझे आप पे पूरा विश्वास है पापा। ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मुझे खुद को भी बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आपने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं, तलाशी तो हमने पहले ही ले ली थी, फिर मैंने सोचा उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? अगले दिन मुझे खबर मिली कि बाप और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी ने बाप और बेटी का कत्ल कर दिया हो। देखिए मैनेजर साहब, जहां तक हमको मालूम है ये दोनों बाप बेटी जिंदा हैं और किसी दूसरी जगह जाके रह रहे थे। और सिर्फ रहने रहे थे, दोनों ने वहां पे खून भी किया और वहां से भाग गए। दोनों जिंदा हैं, दोनों ने खून भी कर दिया, ये कैसे हो सकता है? सर ये मैनेजर डरा हुआ लग रहा था, रूम खुद नहीं दिखाना चाहता है, दूर से ही दिखा के भाग गया। दुनिया का पूरा कचरा यहां भर के रखा है। वो बैग ढूंढो जल्दी से, बाकी सब क्या है भूल जाओ। जूलिया, ये दोनों बाप बेटी इतने चालाक है कि मुझे तो नहीं लगता कि अपने पीछे कोई सबूत छोड़ जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं, खोलो इसे।
ओहो, इतना सारा मेकअप का सामान। ये लड़की फिल्म एक्ट्रेस बनने वाली थी क्या? ये तो किसी फिल्म के हीरोइन से भी अच्छा एक्टिंग कर रही थी। क्यों अभी जी? क्या बताऊं यार, ये तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना गई है। अरे ये तो वही ओल्ड एज होम के फोटोग्राफ्स लग रही है जहां वो बेचारे बूढ़े रहते हैं, है ना? ये तो वही है, सारी फोटोज होली में खींची गई है। ये क्या चक्कर है? देखा, ये देखो, ये आदमी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये आदमी ये सब फोटो में दिख रहा है। सब ये आदमी इसमें भी है, सारी फोटोज में ये आदमी दिख रहा है। अगर ये फोटोग्राफ्स जूलिया के बैग में से मिला है तो शायद इस फोटोग्राफ्स में जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। एक काम करते हैं, फोटो को ब्यूरो में लेके चलते हैं और बड़ा करके देखते हैं, फिर इस आदमी की असली सूरत क्या है सामने आ ही जाएगी। अब इस फोटो को इतना बड़ा करो कि साफ पता चल सके कि आदमी है कौन। ये फोटो तो इतना खराब है कि पता भी नहीं चल रहा है ये फ्रेडरिक सैया अभिजीत। सर लगता है ये फोटो मोबाइल फोन से खींची गई है, इसलिए पिक्चर को बड़ा करने से फेस खराब हो रहा है। गाड़ी तो यहीं आके अटक गई, अब क्या करेंगे? सर मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड किया है इंटरनेट से। उससे क्या होगा प्रेडी, ये पिक्चर की क्वालिटी खराब है। लेकिन सर इस प्रोग्राम से मोबाइल फोन से खींची हुई फोटो को भी एकदम साफ बना सकते हैं। अच्छा चलो दिखाओ। चलो फ्रेडिक्स जरा जल्दी करो। अरे सर नया नया प्रोग्राम है, मुझे ठीक तरह से यूज करना नहीं आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर तो मेरे लिए नया है सर, लेकिन ऐसा एक पुराना प्रोग्राम मेरे पास है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखो फ्रेडिक्स। एक राउंड और सर, फिर चेहरा साफ हो जाएगा बिल्कुल। That's it, सुधीर। मगर ये सुधीर इन बूढ़े लोगों के साथ क्या कर रहा है? सर इस फोटो का मतलब है कि सुधीर पहले से उस बूढ़े को और उसकी बेटी को जानता था, उसने हमसे भी झूठ बोला। सर याद है विल्सन का बेटा घर छोड़ के चला गया था, बाद में उसका कुछ पता नहीं चला, कहीं ये सुधीर विल्सन का बेटा तो नहीं? हो सकता है सुधीर इस विल्सन का बेटा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सुधीर इस विल्सन और जूलिया के बारे में कोई सीक्रेट जानता है। सर विल्सन के पड़ोसी ने भी कहा था कि किसी को कुछ ठीक से पता नहीं है कि बाप बेटी ने आत्महत्या की है या नहीं। सर हो सकता है बाप बेटी की मौत हुई नहीं, ये सब दिखावा है दुनिया को लूटने का। अगर सुधीर का मुंह खुल गया तो सारा केस साफ हो जाएगा। सुधीर को ब्यूरो लेकर आओ। आप लोग इतना जल्दी आ गए? राघव चाचा के खूनी मिल गए, वो बुढ़ा और उसकी बेटी? नहीं पकड़े तो नहीं गए, लेकिन बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। ये बताओ इस वक्त बंगले में और कौन कौन है? मैं अकेला ही हूँ, अनीता दीदी किसी काम से बाहर गई है। ये कमरा सुधीर का ही है ना? जी हाँ। ये सुधीर इस वक्त है कहाँ? सुधीर तो चला गया है? उसका ट्रांसफर हो गया, उसने अपने कमरे का किराया दिया और 2 घंटे पहले ही चला गया। लेकिन आप लोग सुधीर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो उस बुड्ढे और उसकी बेटी को पकड़ना है ना। सर कमरा तो एकदम साफ है। देखा जैसे असली चेहरा सामने आ गया, ये सुधीर यहाँ से भाग गया। सर 2 घंटे में तो ये बहुत दूर निकल गया होगा। अब तो हमें उसका चेहरा भी मालूम है, भाग के जाएगा कहाँ? सुधीर का उस बुड्ढे और उसकी बेटी से क्या लेना देना? यही हम पूछना चाहते सुधीर से। लेकिन वो तो आज रात मुंबई से बाहर जा रहा है।
बाहर जा रहा है। एक काम करो, सारे रेलवे स्टेशन, बस डिपोज, यहां तक के मुंबई एयरपोर्ट, सब जगह खबर कर दो। भाग के जाएगा कहां? हाँ, आज रात के जितने भी फ्लाइट्स हैं उन सब के पैसेंजर लिस्ट चाहिए हमें। हो सकता है इंटरनेट से कुछ पता चल जाए, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्या वेस्टर्न लाइन की लिस्ट में इसका नाम नहीं है? यह कैसे हो सकता है? बालू ने तो कहा था कि वो सुधीर आज रात को मुंबई के बाहर जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, जाएगा कहां? सर, सुधीर ने अपना प्लान बदल लिया सर, वो कल सुबह चेन्नई मिल से जा रहा है। हाँ सर, वो सीआईडी को बेवकूफ बनाना चाह रहा था। ओके सर, थैंक्स। दरवाजा तो खुला है। बूढ़ा तू जिंदगी के मजे लूट रहा है। बस मिस्टर विल्सन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब यहां से भागने की कोशिश मत करना, समझे? सुधीर और जूलिया, तुम दोनों भी चुपचाप बाहर आ जाओ। मगर ये हिल क्यों नहीं रहा है? मिस्टर विल्सन। सर, ये तो पुतला है। ये आवाज कैसी? सर उस तरफ से आई है। जूलिया, रुको, रुको, रुक, रुक, नो, ए, नो, नो, जूलिया, जाने दो मुझे। अरे, जूलिया या सुधीर? सुधीर? इसीलिए विल्सन का पुतला है बाहर। इसका मतलब है सुधीर, तुम ही विल्सन हो और तुम ही जूलिया। वाह! मैंने कुछ भी नहीं कहा सर, सर यकीन मानिए मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था सर। मैं कॉलेज में ड्रामे किया करता था, जिसके लिए मैंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया था। क्लर्क की नौकरी करते करते भी मैंने अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी थी सर। ये लड़की की आवाज निकालना, ये सीखने में कितना टाइम लगा? उसके लिए 4 साल लगे थे सर। मैं छोटे मोटे काम कर कर थक गया था सर। मुझे एक्टर बनना था सर, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे सर। लेकिन ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? हैं? ये विल्सन और उसकी बेटी जूलिया का एक साथ आवाज निकालना, उनके रोल करना? हां, मैं एक ओल्ड एज होम में काम किया करता था सर। वहां पे मैंने ये विल्सन और उसकी बेटी जूलिया को देखा था। वो दोनों को देखकर बहुत दया आती थी सर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका फायदा उठा सकते। और वो सारी चोरियां, हैं? वो सारी चोरियां भी तुम ही करते थे ना? सारी चोरियां मैं ही करता था, लेकिन पकड़ा विल्सन जाता था। तुमने मारने के बाद भी विल्सन और उसकी बेटे को नहीं छोड़ा? लानत है तुम पर। राघव को क्यों मारा तुमने? सर, वो मेरा राज जान गया था, इसके लिए मैंने उसे। शुरू हो या सुधीर, इस गेस्ट हाउस के मामले का आखिरी सीन। अरे तुम्हें अपने फैशन से कोई फुर्सत मिलेगी कि नहीं इस बूढ़े का ख्याल रखने के लिए? हाँ, जब देखो तब किटकिट किटकिट, इसलिए वो जो भी घर छोड़कर चला गया। अच्छा होता कि मैं भी चली जाती। हाँ तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? ये बुढ़ा क्या तुम्हारे दम पर जिंदा नहीं है? बाल पोस कर आज इतना बड़ा किया और आज मुझे ही आंखें दिखा रही है? हाँ? सब कुछ तो छोड़ दिया है, अब कैसे छोड़ू?
मैंने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए इस जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ। एक बूढ़ा बाप था, कमजोर लड़की थी, यही सोचकर मैंने तुम्हें कमरा किराए पर दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे दरवाजा तो पहले से खुला है। क्या हो रहा है सब ये? क्या है सब ये? अरे क्या 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 क्या? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे, छोड़ो। तुझे छोड़ दूंगा तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। खून करने के बाद मैं वहां से चुपचाप चला गया और फिर मैं दोबारा पीछे के रास्ते से अंदर आया, क्योंकि मैं जानता था वहां पर कोई नहीं होगा। अपना गुनाह छुपाने के लिए मैं भालू को मिलने आया और उसके सामने एक्टिंग की। तुमने तो अच्छे अच्छे एक्टरों को पीछे छोड़ दिया। खुद तो सुधीर बनकर लोगों के सामने रहते थे और दो दो लोगों का रोल भी करते थे। वो बूढ़ा विल्सन, उसकी बेटी जूलिया, दोनों की एक्टिंग करने में मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि ये तो मैं जानता था कि उस बूढ़े और उसकी बेटी पर तो कोई भी शक नहीं करे और मुझ पर तो किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नहीं हूं मैं बूढ़ा हूं और नहीं लड़की। लोग विल्सन और उसकी बेटी जूलिया को ढूंढते रहे जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहो, वहां पर लड़की की आवाज में गाना गाते रहना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।